नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिनभर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी, जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाले से जुड़ी हुई है। मामला बीते दिनों सामने आया और अब आरोपी बैंक मैनेजर के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। एक बार फिर से पुलिस को आरोपी बैंक मैनेजर उमेर सिन्हा की टेस्ट रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट भी सौंपी गई है, CD सौंपी गई है और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। दोबारा मामले की जांच शुरू हुई है। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, 7607 का ये पूरा मामला, उसे लेकर एक बार फिर से जांच दोहराई जाएगी पुलिस की तरफ से और इसी को लेकर FSL रिपोर्ट और नार्को टेस्ट की CD पुलिस को सौंपी जा चुकी है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां फर्जी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दो फर्जी एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। आफरीन ट्रैवल्स के नाम से टिकट बुक किया करते थे और लोगों से अधिक किराया लेकर फरार हो जाते थे। आरोपी अरशद और कामरान को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। नए बस टर्मिनल में फर्जीवाड़ा लगातार इसे अंजाम दे रहे थे। फौरन पुलिस को सूचित किया गया, अलग अलग मामले सामने आए और फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपी अरशद और कामरान को गिरफ्तार किया। इधर दुर्ग पुलिस का कॉम्बिंग गश्त अभियान आज देखने को मिला है। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए महाअभियान छेड़ा था पुलिस ने। 215 वारंटियों की ताबीली कराई गई है। लगातार 17 घंटे तक नॉनस्टॉप कॉम्बिंग गश्त जारी रही। बारिश में भी पुलिस रुकी नहीं, अभियान लगातार जारी रहा। 5 पुलिस अधिकारी, 17 थानों के प्रभारी और साथ ही साथ 100 पुलिस के जवान इस अभियान में शामिल हुए। बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी हो चुका है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरू असलम की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने नोटिस जारी किया। शेरू असलम से 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा गया, लिखित जवाब देना होगा। किसान को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, अगर जवाब नहीं आता है तो फौरन कांग्रेस के स्तर पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई। और अब चर्चा करेंगे कोंडा गांव की, जहां IED बरामद किया है। नक्सलियों के मंसूबों को एक बार फिर से नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया। 5 किलो का IED कोंडा गांव नारायणपुर मार्ग पर मिला है और बुना गांव के पास इसे रिकवर किया गया। CRPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज किया इस बम को। छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी जानकारी, कल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। कल शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाना है। पूरे ही छत्तीसगढ़ में छात्रों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत होगा। शाला प्रवेशोत्सव की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छात्रों को गणवेश और किताबें दी जानी है। जगदलपुर में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन होना है। CM भूपेश बघेल खुद मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में। लेकिन क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी बिल्कुल असहनीय है, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा के 26 जून रखा है। उसमें नए बच्चे आएंगे, उनको प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, उनके साथ में उनको तिलक लगा कर स्वागत किया जाएगा और प्रयास हम लोग का ये रहेगा कि जो पुस्तकें हम लोग पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से बच्चों को देते हैं 1 से 10 तक, तो उन बच्चों को पहली जो प्रवेश उत्सव हो उस समय उनको वितरण किया जाए। साथ ही मॉनसून पूरे ही प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और मॉनसून की पहली बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रायपुर, दुर्ग, चुरमरी, बलरामपुर की अगर बात की जाए तो प्रदेश के कई ऐसे जिले भी जहां भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे तो खुले हैं, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल रही है। परेशानियां भी दूसरी ओर बढ़ती हुई, चिरमिरी में झमाझम बारिश, सड़क पर समंदर जैसा नजारा। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिरमिरी, बलरामपुर, बिलासपुर, गरियापंद और जशपुर और राजनांदगांव की ये तस्वीरें, जो कि बताती हैं कि राहत तो है लेकिन दूसरी तरफ जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है।
बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम की एक बार फिर से पोल खुलाई है। हर साल की तरह इस बार भी पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर आया है, लोगों के घरों में नाले का पानी घुसा है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जलभराव की समस्या देखने को मिलती है और जलभराव की समस्या से अभी तक यहां लोगों को निजात नहीं मिल पाई। इसी तरह का नजारा एक बार फिर से बिलासपुर शहर में, चेतावनी के बावजूद निगम इस बार भी नहीं जागा और इसी तरह के हालात शहर में। इधर बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पहली बारिश में ही जलभराव की स्थिति बन गई। जलभराव होने की वजह से NH 343 पर सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। इसकी वजह से नगरीय प्रशासन की पोल एक बार फिर से खुलती हुई। पहली बारिश में घर, दुकानों और कार्यालयों तक में पानी घुसाया है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पानी हम लोगों के घर में घुस गया। घर में घुसने के चलते काफी सामान बर्बाद हुआ है हम लोगों के। आप पड़ोसी को देख लेंगे, पूरा उनका कच्चा का घर है, पूरा सामान बह गया। हम लोगों के यहाँ का चावल, आलू, आटा जो कुछ था सब बह गया। चल चलते नाली पूरा जाम था। अब नाली अगर साफ फ्रेश रहता तो जाम हो भी नहीं करता, इतना पानी भी नहीं करता। बहुत सामान बर्बाद हुआ है। बहुत सामान तो बर्बाद हुआ। नगर पंचायत के द्वारा दुरुस्त नाली बनाया जाता और जहाँ आवश्यकता था वहाँ नाली बनाया जाता तो लोगों को परेशानी नहीं होता, नगरवासी परेशान नहीं होते। एक बारिश में ही पूरा नगर पंचायत का पूरा जो कहना चाहिए इनका जो पोल है सब उजागर हो गया वो पब्लिक के सामने। हाँ, ये तो पानी आने के चलते घर नीचा होने के कारण पानी चला गया। खुद जो है बारिश में यहाँ पर खड़ा हूँ और उसका निपटारा कर रहा हूँ। और इससे पूर्व भी एक दिन बारिश हुई थी, उसमें भी मैं जो है कई घरों में पानी जा रहा था। उसके बारे में भी हमारे इंजीनियर साहब को बोला कि जो है इसका निदान किया जाए। इस बात से हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी अवगत करा चुका हूं। और मुंगेली की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। बारिश यहां पर भी लगातार हो रही है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर भी है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुसा है। लोरमी इलाके में ज्यादा परेशानी हो रही है। पहली बारिश ने नगर पालिका के दावों के पोल खोल दिए। अधिकांश नालियां जाम हो चुकी हैं और सड़कों पर पानी भरा है। आगर नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ। खपरी लगरा इलाके में अधिकांश रपटे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। जनजीवन अस्त व्यस्त है। आगर नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ, इस वजह से खपरे और ज्यादा भापे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे स्थिति बिगड़ सकती है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने प्रशासन के सभी दावों के पोल खोल कर रखी है। आप देख सकते हैं कि ये मुंगेली जिले के लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग की किस तरह की स्थिति है। आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बाइक सवार हमारे साथ है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी है और गिरने का, गड्ढे वड्ढे का कुछ पता नहीं चलता है कैसे, तो इसमें दुर्घटना का भी ज्यादा संभावना रहता है ना। तो बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है पानी भरने की स्थिति में, है ना। तो आप देख सकते हैं काफी परेशानियां हो रही है लोगों को। बहुत परेशानियों के बाद लोग इस रास्ते को पार कर पा रहे हैं। कुछ में कि किस तरह महिलाएं बाइक से आ रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह बारिश हो रही है, बारिश लगातार होने से लोगों को अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत की बारिश साबित हो रही है। प्रशांत शर्मा, News 18 मुंगेली। और छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून ने दस्तक दे दी और इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। पांच तस्वीरें अब आपको दिखाते थे। आगरमालवा, तेज बारिश यहां पर, सड़कें लबालब हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल में भी यही स्थिति। मॉनसून की पहली बारिश से घरों में पानी घुसा है। शहडोल में जमकर बारिश हो रही है। जबलपुर में भी भारी बारिश की वजह से स्कूल की जर्जर दीवार गिर पड़ी, इसकी चपेट में कई गाड़ियां आई हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भोपाल में मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहुंचे और यहां पर उन्होंने इंदौर की मशहूर सबसे खराब चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय का लुत्फ उठाया। चाय पी, कहा कि सबसे खराब चाय सबसे स्वादिष्ट चाय है, इससे स्वादिष्ट चाय नहीं हो सकती। कैलाश विजयवर्गीय जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए राज मोहल्ला पहुंचे थे और इसी दौरान इस खराब चाय की दुकान पर पहुंचे। न केवल चाय की चुस्की ली बल्कि खराब नमकीन का भी स्वाद चखा, कई तरह के नमकीन खाए। कहा कि वैसे तो मैं चाय पीता नहीं लेकिन आज मैंने ये चाय पी है। नाम जरूर खराब है लेकिन ये अपने आप में ऑपोजिट है, बहुत ही शानदार चाय। नाम खराब चाय है
पर एकदम उसका अपोजिट है। नमकीन भी लिखता है खराब नमकीन, बाकी एकदम अपोजिट है। शानदार नमकीन है, शानदार चाय है, और यहाँ तो मैंने पिछली बार कचौरी समोसे भी खाए थे, वो भी बहुत शानदार है। तो इंदौर के कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो अपने नाम से चलते हैं, ये स्पॉट भी अपने नाम से चलता है। मैं जब भी इधर से निकलता हूँ, थोड़ा सा भी समय होता है तो 5 मिनट रुक के जाता हूँ। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की चुनावी तैयारियां एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो रहा है। बस्तर संभाग से अभियान की शुरुआत और लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश एक बार फिर से सामने आती हुई। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाना है और इसी के मद्देनजर बूथ चलो अभियान कांग्रेस पार्टी कल से एक बार फिर से इसका आगाज करने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई, पार्टी में हलचल बढ़ती हुई, अपना बूथ सबसे मजबूत ये अभियान का नाम है, और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा सके इसी कवायद में ये अभियान कल से इसका आरंभ होने जा रहा है। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल के लिए भी रवाना हुए हैं, लेकिन देश भर से आपको बताएं कि 3000 जो कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बूथ को मजबूत बनाने का कार्यक्रम, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी कवायद में। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के एक एक बूथ पर पहुंचेंगे, कैसे उसे मजबूती दी जा सके ये प्रयास रहेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस अभियान के तहत 27 जून को भोपाल में चुने हुए कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ होना है। उसके लिए छत्तीसगढ़ से भी 100 चुने हुए कार्यकर्ता आज भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता पूरा उत्साह लेकर वहां से आएंगे और पार्टी के काम में मदद करेंगे। इधर जगदलपुर के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते हैं, सभी सीटों पर मुकाबला होगा, इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से 90 की 90 सीटें टफ मानना चाहिए, कभी भी हल्के से मैदान में नहीं उतरना चाहिए। हम लोग मैच खेलने उतर रहे हैं और सामने वाली टीम को पहले ही मान लिया कि हम तो जीत ही गए, पहले गोल तो करना पड़ेगा, अगर हमको जीतना है विकेट तो लेने पड़ेंगे, चौके छक्के मारने पड़ेंगे ना, अभी तो मैदान में उतर रहे हैं। तो ये इस समय ये कह देना कि हम तो सारी सीटें जीत जाएंगे, वो मेरे से कहते नहीं बनता। मेरे को लगता है कि फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तालमेल से काम करना पड़ेगा। फुटबॉल है तो गोलकीपर को भी गोल रोकना पड़ेगा, सेंटर फॉरवर्ड को भी गोल स्कोर करना पड़ेगा, बैक्स को भी सामने के आक्रमण को रोकना पड़ेगा, मिडफील्डर्स को डिफेंस भी करना पड़ेगा, बॉल आगे भी देनी पड़ेगी गोल स्कोर करने के लिए, शायद गोल भी करना पड़ेगा। तो जैसा रहता है हर परिस्थिति में मिलके एक टीम काम करेगी तो अच्छे से अच्छे परिणाम आएंगे। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि अगर विदेश में उनका स्वागत होता है तो इससे प्रत्येक भारतीय को खुशी होती है। पीएम मोदी जब देश के बाहर जाते हैं तब वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भाजपा से जोड़ना तथ्यहीन है, गलत है, मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री का अगर विदेश की धरती पर स्वागत होता है तो प्रत्येक भारतीय को खुशी होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब देश से बाहर जाते हैं तो भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं सम्मान पाता है तो मुझे ही नहीं पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। इसको भाजपा से जोड़ना तथ्यहीन है, गलत है और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। इधर राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाने पर कई योजनाओं पर चर्चा की और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो रमन सिंह की तरफ से एक बार फिर से घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर निशाना साधा गया कांग्रेस पार्टी पर। अक्सर राज्य सरकार की इन तमाम
चूक को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी के नेता करते आ रहे हैं। रमन सिंह की तरफ से भी लगातार इसी चीज को लेकर निशाना साधा जा रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय जनता पार्टी का माननीय मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप सबसे समाज के सभी वर्गों तक जाने का काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग। शहडोल दौरे पर आज सीएम शिवराज पहुंचे और सड़क पर मजदूरी कर रही महिलाओं से सीधी मुलाकात की है। सीएम को अपने सामने देखकर महिलाओं के चेहरे खिल गए और पखरिया गांव में मजदूरों ने सीएम से मुलाकात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मजदूर भाइयों से भी मुलाकात की, हालचाल जाना। मजदूरों ने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई। सीएम ने मजदूरों से बात कर लाडली बहना योजना के बारे में भी जानकारी दी है। ये लाडली बहना का पैसा मैंने भेजा था, मिल गया सबको, मिल गया सबको, मिल गया। सियाने से इनको नहीं मिलता है पैसा 8 साल में, उसमें पेंशन वाला अलग से करना है ना। आपकी कितनी उम्र होगी? 65। खबर दिन भर में इतना ही, नमस्कार।